हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल एक नई रेसिपी, जिसे देखने के बाद आप कभी भी रात की बची हुई रोटी कभी नहीं फेंकेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है आलू, जिसे मैंने उबाल कर ग्रेट कर लिया है। तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं तो, और एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। और मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप अगर प्याज नहीं खाते तो आप इसे स्किप करें, इसे हम डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, जिसे मैंने इसे भी बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। और अपनी पसंद की इसमें सब्जी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद से और भी सब्जियाँ मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है एक बाउल, इसमें हम डालेंगे एक कप चना का बेसन, जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए इसमें डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें हम पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। एक साथ ही पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। अगर आप एक साथ ही पानी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसमें हम इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं चाहिए या गाढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसी तरह से हमें बैटर तैयार कर लेना है। तो हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हमें यहाँ पर लेना है बची हुई रोटी। सबके घरों में एक दो रोटियाँ बची जाती है, तो फेंकने से अच्छा है कुछ इसे बना दें। तो इस तरह से हम एक ग्लास लेंगे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। आप इसकी जगह कुकीज कटर का भी यूज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कट जाता है। इसी तरह से हमें काट कर निकाल लेना है सबको। एक बार आपने इस रेसिपी को बनाकर घर वालों को खिला दिया तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने रात की बची हुई रोटियों से इस रेसिपी को बनाई है। और ये रेसिपी तो बच्चों लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी अपने घर पर ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को। इसी तरह से हम सारी बाकी रोटियों को काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी रोटियों की पूरी इस तरह से काट कर तैयार कर लिए हैं। तब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब हमें यहाँ पर कटिंग किया हुआ पूरी लेना है और इस तरह से हम इसे एक लेंगे और इसके ऊपर जो मैंने स्टफिंग तैयार किया है उसमें हम इस तरह से लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है, कुछ इस तरह से लगाना है। इसी तरह से हम सारे पूरियों में स्टफिंग लगा कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे पूरियों में स्टफिंग लगाकर तैयार कर लिया है। तब इसे हम फ्राई करने के लिए ले चलते हैं। मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें हाई गर्म नहीं चाहिए। यहाँ पर हम इस तरह पूरी लेंगे और जो मैंने घोल बनाकर रखा है इसमें हम इसे डिप करेंगे इस तरह से। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ये प्रोसेस फास्ट करें। और इस तरह से हम डालेंगे, इसी तरह से हम सारे पूरियों को डिप करके इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पर तेल बिल्कुल हाई नहीं चाहिए, यहाँ पर मीडियम हाई चाहिए। और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक दो मिनट में ये पक जाएगा। और अगर तेल अगर ज़्यादा गर्म हो गया हो तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो कर दें। यहाँ पर इसे पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हम सबको पलट देंगे।
यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है, तब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा रोक लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसे अब थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे पूरियों को फ्राई करके तैयार कर लिया। तो क्या कोई बता सकता है कि मैंने रात की बची हुई रोटी से ये रेसिपी बनाई है? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर इसके साथ हरी चटनी मिल जाए तो ये खाने में और चार चांद लगा देगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।